हेलो माय डियर फैमिली। तो मैंने देखी बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी स्टारिंग अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ। फिल्म का प्रमोशन बहुत ही जोरों शोरों से हुआ था, तो उम्मीदें तो बहुत थी इस फिल्म से। और पहली बार बॉलीवुड के दो बड़े एक्शन स्टार्स टाइगर श्रॉफ एंड अक्षय कुमार साथ में आ रहे थे, इसलिए भी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। तो चले करते हैं बात की उम्मीदें पूरी हुई कि नहीं। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ यानी कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, ये दोनों के किरदारों के ऊपर ही ये पूरी फिल्म है। ये दोनों कितने स्किल्ड है, कितने टैलेंटेड है, कितने डेयरिंग है, कितने बड़े जांबाज है, कितने बड़े देशभक्त है दोनों सोल्जर्स। जब जब भी देश को जरूरत पड़ी है इन दोनों की, दोनों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मिशंस को पूरा किया है। फिल्म की शुरुआत बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई थी। फिल्म का जो विलन है उसकी एंट्री शुरू से ही हो जाती है, मतलब फिल्म सीधा ही पॉइंट पे आ जाती है। विलन का किरदार किया है पृथ्वीराज सुकुमारन ने। तो जैसा आपने ट्रेलर के अंदर देखा था कि इंडिया ने बहुत ही पावरफुल वेपन बनाया जो आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं बना था, उस वेपन को विलन चुरा लेता है। अब उसे इंडिया की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वो एक पागल संकी के हाथ में है जो कि इंडिया का विनाश का कारण बन सकता है। वो इतना खतरनाक वेपन है। अब वो एग्जैक्टली क्या है वो आप फिल्म में जाके देखना, उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें खुल जाएगी। तो उसको वापस इंडिया लाने की जिम्मेदारी ये दोनों जांबाजों को सौंपी जाती है। अब इन दोनों को ही क्यों आगे किया जाता है, उसके बहुत सारे रीजंस फिल्म के अंदर बताए गए हैं। पहले तो ये दोनों भी बहुत ही बड़े संकी हैं। जब बात देश की आती है, देश की रक्षा की आती है, तो इनसे बड़ा संकी कोई नहीं है, ये हमको बताया गया है। प्लस ये लायंस रेजिमेंट के सोल्जर्स है, और इस रेजिमेंट के बारे में कहा जाता है कि इस रेजिमेंट का सोल्जर जितना ज्यादा जख्मी होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक होता जाता है। दूसरा, इन दोनों की हिस्ट्री ऐसी रही है कि इन लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। लेकिन इस बार का टास्क थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या इस बार छोटे मियां और बड़े मियां इस टास्क को पूरा कर पाएंगे? नहीं तो क्यों नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या उनके प्लान्स होंगे, ये सब देखना है आपको फिल्म के अंदर। और पृथ्वीराज सुकुमारन का किरदार इतना नेगेटिव क्यों है, उसको इंडिया से ही क्यों दुश्मनी है, और ये सब करके अल्टीमेटली वो क्या चाहता है, उसकी क्या बैक स्टोरी है, ये सब कुछ भी फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तो फिल्म की कहानी ठीक है, कैरेक्टर्स भी अच्छे से क्रिएट किए हैं। फिल्म के अंदर कुछ कुछ चीजें मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, कुछ कुछ चीजें ऐसा लगा कि बेटर हो सकती थी। जैसे कि फिल्म के एक्शंस बहुत ही बढ़िया है, जैसा मेकर्स ने प्रॉमिस किया था वैसे एक्शंस, वो लेवल के एक्शंस है। स्टंट्स, चेजिंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ब्लास्ट, वो बिल्डिंग्स उड़ना, गाड़ियां उड़ना, ये सब कुछ बहुत ही मजेदार तरीके से दिखाया है। अब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों ही एक्शन स्टार है, तो उनका एग्जीक्यूशन भी बहुत ही नीट एंड क्लीन था, अच्छा था। इवन मानुषी छिल्लर ने भी बहुत ही बढ़िया एक्शन परफॉर्म किया है। फिल्म का बीजीएम अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है। वीएफएक्स की बात करें तो एक दो जगह को छोड़कर मुझे बढ़िया लगा, और ज्यादातर चीजें फिल्म के अंदर रियल में परफॉर्म की गई है, चाहे वो स्टंट्स हो, एक्शंस हो, ब्लास्ट हो, ये सब कुछ रियल में परफॉर्म किया गया है, तो उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। अब एक्शंस के अलावा परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यस, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन टॉकी पोर्शन की बात करें, स्पेशली फनी पंचेस की बात करें, फनी सिचुएशंस की बात करें, फनी केमिस्ट्री की बात करें, तो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। और उन सबके अलावा जो इंटेंस और हीरोइज्म वाले पंचेस थे, जो देश को लेकर थे, सोल्जर्स को लेकर थे खास करके, वो सब इंपैक्टफुल थे। पृथ्वीराज सुकुमारन का काम भी मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा अलग टाइप का विलन है ये, जिसके पास टेक्नोलॉजी और एआई की ताकत है। वो खुद इतना डरावना एक्चुअली नहीं है, लेकिन उसकी सोच बहुत ही डरावनी है, बहुत ही विनाशकारी कह सकते हैं। और जो भी उसके साथ हुआ है पास्ट में, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो एंगर है, वो बंदे ने बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरी सोच इतनी नेगेटिव, इतनी विनाशकारी क्यों है। तो पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने किरदार को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई किया है। अब फिल्म थोड़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प हो सकती थी, आई थिंक थोड़ी और शॉर्ट होती तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता, मुझे ऐसा लगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी शॉर्ट हो सकती थी। ओवरऑल बात करें तो ऑल एंड ऑल ये एक्शन पैक्ड मूवी है, जिसमें आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये मास मसाला एलिमेंट से भरी हुई फिल्म है, तो उसके ऊपर लॉजिक लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो एक हीरो का हीरोइज्म, उसका स्टाइल, उसका स्वैग, उसका पंच मारने का तरीका, ये सब चीज़ें फिल्म को ड्राइव करती है। तो अगर आपको इस जॉनरा की, इस कैटेगरी की फिल्में पसंद है, अगर आप टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के फैन हैं, खास करके अगर आपको एक्शन, स्टंट्स, चेजिंग और बिल्डिंग्स उड़ना, गाड़ियाँ उड़ना, मास मसाला, ये सब चीज़ें पसंद है, तो ये फिल्म आप थिएटर में जाकर एक बार देख सकते हैं। ओके, देन आज की बात यही तक रखते हैं। अगर आपने देख लिया तो कमेंट्स करके बताओ कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।